इसलिए मुसीबत जी मैं ठीक हूँ। अब जब तक मैं ना बोलूँ ना तब तक अपना मुंह मत खोलना। पहले ठंडे पानी से वॉश, फिर ऑइंटमेंट, ओके? मुसीबत जी वो प्यार के काबिल मुझे दिल की ऐ धड़कन ठहर जा मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा मैं भी ना कभी कभी ऐसे बिहेव करता हूँ जैसे देख नहीं सकता पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया अब ये मत कहना कि इसलिए चुप थी क्योंकि मैंने कहा था कि मुंह बंद रखना जब तक मैं ना कहूं एनीवे टैप फाइनली द राइट टैप नहीं है कोई बात नहीं मैं बाहर से लेकर आता हूं दरवाजा बाहर से बंद हो गया था खुल ही नहीं रहा था वैसे ऐसे मौके पे तो मुझे भी वॉशरूम में तुम्हारे साथ लॉक हो जाना चाहिए था ना हाउ रोमांटिक है ना क्या हुआ कुछ बोलो तो सही दर साहब दरवाजा बाहर से लॉक हो गया है अब खोलो ना साहब आप बाहर है नहीं अब दरवाजा खोलिए दरवाजा बाहर से लॉक हो गया है जो जख्म मैंने दिए हैं वो बहुत गहरे हैं ना जानता हूं नंदिनी कि मेरे किए के लिए शायद तुम मुझे कभी माफ ना कर पाओ अरे इतना भी ड्रामा मत करो पानी इतना ठंडा तो नहीं था कि ऐसे कांप रही हो चलो अरे संघवी साहब मिस्टर झुंझुनवाला खुद कहकर गए हैं कि दर्शी प्रोजेक्ट हेड करेगा इन्वेस्टर्स को मेल भेज दी सेंट
मॉम, मोपेड के खिलाफ केस रजिस्टर हो गया। गुड, अब मैं देखती हूँ वो जेल से बाहर जल्दी कैसे निकलता है। राजवी, अब तो तुम्हें यकीन हुआ कि नहीं हुआ कि दर्श बिल्कुल मुझ पर गया है? आह, जोक्स अपार्ट, नंद्रियों उसने ना जिस तरह इतने कम टाइम में रैकेट को एक्सपोज किया है ना, हैट्स ऑफ टू देम। रावल्स का नाम ऊंचा कर दिया था उन्होंने। मुझे तो इस बात की खुशी है कि दर्श और नंदिनी दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और द्वारकाधीश ने चाहा जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और मिस्टर, आप गोवा की शॉप बंद कर दो। ऐसा होता है कभी? अपने बड़े भाई से सीखो, हार नहीं मानी उसने। शोभित, नाम कमाना ना बहुत मुश्किल होता है, पर उससे ज्यादा मुश्किल होता है नाम को बनाए रखना। अपने बड़े भाई की तरह हार मत मानना कभी। पर सच कहूं, आज जो हम साथ हैं, खुश हैं, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट शोभित को जाता है। तूने अपने भाई और भाभी को साथ लाने के लिए जो किया है, जो सैक्रिफाइस किए हैं, हम सब जानते हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू शोभित। ये तो मेरा फर्ज है ना मॉम। आता हूं मैं। शादी की पहली रात मेरी वजह से जो तुमने वॉशरूम में बिताई थी, उस वजह से कांप रही थी ना तुम। I'm sorry नंदिनी, मैं जितनी बार ये कहूं वो कम है, बट आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता मैं ऐसा मॉन्स्टर कैसे बन गया था। तुम एक काम करो, तुम मुझे इस बाथरूम में बंद कर दो, पूरी रात अंदर रहने दो, मुझे लॉक कर दो। डिजर्व करता हूं मैं ऐसी सजा। एक्चुअली मैं इससे भी बड़ी सजा डिजर्व करता हूं। अगर मैं कुछ डिजर्व नहीं करता हूं तो मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता हूं नंदिनी। आई डोंट डिजर्व यू। जिस मुसीबत जी ने आज मेरे घाव पे मलहम लगाया ने, उन्हीं से तो मुझे प्यार हुआ था। अभी आपको ऐसे देखकर तो मेरा दिल कर रहा है कि अभी के अभी आपको माफ कर दूं। नहीं नंदिनी, कोई जल्दी नहीं, माफी की कोई जल्दी नहीं है मुझे। मैं जानता हूं कि जो जख्म मैंने तुम्हें दिए ना, वो इतनी जल्दी भरने नहीं वाले। तुम अपना टाइम लो, मैं जिंदगी भर वेट करने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर तो मेरे दिल में आपके लिए इज्जत और बढ़ गई मुसीबत जी। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे मुसीबत जी बोलना बंद कर सकती हो। आपको पता है गुंदर क्या होता है? ग्लू, जिससे चीजें चिपकाते हैं, राइट? हाँ, अब पक्के वाले गुंदर के साथ में ये नाम आपके साथ चिपक गया। अब तो जिंदगी भर के लिए आप मुसीबत जी रहने वाले।
भाई और भाभी ने तो झंडे गाड़ दिए। शोभित, सीख कुछ अपने बड़े भाई से, उस भाई से सीख जिसकी वजह से तूने अपनी चार्मी को खो दिया। उस भाई से सीखो जिसकी वजह से मैं अपनी मॉम के प्यार के लिए तरसा हूं। ये तेरी बचपन की आदत है, कॉन्सेंट्रेट करता नहीं है, फिर आउट हो जाता है और फिर मुंह फुला के बैठ जाता है। यार शोभित, एक बात बोलनी है तुझे। थैंक यू। आई नो, पिछले कुछ दिनों से जैसी चीजें चल रही हैं मैं बहुत परेशान था, लेकिन मुझे मालूम था कि माँ और तू हमेशा मेरे लिए प्रे कर रहे हैं। तू तो मेरी स्ट्रेंथ है यार, और तुझे पता है तेरी प्रार्थना की वजह से ही मेरे और नंदिनी के बीच में चीजें ठीक होने लग गई हैं यार। पता, जब मैं ओखा से वापस आ रहा था ना, तो मुझे लगा था कि मैंने नंदिनी को हमेशा के लिए खो दिया। मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया है ना, उसके बाद मैं उसे डिजर्व ही नहीं करता। लेकिन नंदिनी तो इतनी अच्छी है कि मेरा दिल रखने के लिए वो शायद मुझे माफ भी कर दे। लेकिन मैं इंतजार करने के लिए रेडी हूं। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक वो माफी उसके दिल से नहीं आएगी। नंदिनी का दिल जीतने का सेकंड चांस मैं गवाऊंगा नहीं। आप बहुत लकी हो भाई, हर किसी को नहीं मिलता है सेकंड चांस। चार्मी को लेकर अभी भी तू परेशान? कॉल करके आता हूं। एक मैं तेरा दर्द महसूस कर सकता हूं शोभू। आई विश कि मैं इसे कम कर सकता यार। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।